अगले महीने 3 जुलाई से 17 जुलाई तक कांवड़ मेले का आयोजन होने वाला है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान से लाखों करोड़ों शिव भक्त नीलकंठ बाबा के दर्शन करने पहुंचेंगे, जिसको लेकर अभी से पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में देहरादून पुलिस मुख्यालय में कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर DGP अशोक कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में IB, RPF, CRPF के अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही कांवड़ यात्रा के रूट को लेकर और कब से डायवर्जन लागू करना है, इस पर भी चर्चा हुई। इस बार भी कांवड़ यात्रा में DJ को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, लेकिन DJ नियंत्रित रहेगा। इसके अलावा कांवड़ की जो हाइट है वे 12 फुट से ज्यादा नहीं रहेगी। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा को संपन्न कराने के लिए केंद्र से 12 कंपनी पैलामिलिट्री की मांग की गई है। आज जो है इस वर्ष के कांवड़ मेला की जो 3 जुलाई से 17 जुलाई तक होने वाला है, उसकी हमारी अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन बैठक थी और इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान के अधिकारियों ने भाग लिया, IB के अधिकारियों ने भाग लिया, RPF और CRPF के अधिकारियों ने भाग लिया और हम लोगों ने आपसी कोऑर्डिनेशन, रास्तों कौन से रूट से कैसे होना है उसके बारे में, कब से डाइवर्जन लागू किए जाने हैं उसके बारे में चर्चा की और बाकी कैसे कांवड़ मेला को शांतिपूर्वक ढंग से कराया जाना है उसके बारे में चर्चा की। सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वो अपने उस पर बता दें कि तो CCTV से चप्पे चप्पे पे नज़र रहेगी। CCTV जो है UP ने भी बढ़ाए हैं नंबर्स में, हमारे यहाँ भी बढ़ गए हैं, तो कोई भी हर आदमी CCTV की नज़र में रहेगा। किसी की भी हुड़दंग को किसी भी रूप में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जो लोग बेसबॉल बैट और इस तरह की चीज़ें लेकर के चलते हैं वो बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। जहाँ तक DJ की बात है, DJ प्रतिबंधित नहीं होगा किंतु DJ नियंत्रित होगा, ठीक है। ये इतना हमने इसमें तय किया है। एक बात और तय की है कि रेलवे उसको देखते हुए कि कांवड़ की जो हाइट है वो 12 फुट से ज्यादा नहीं होगी। इस बार कांवड़ियों की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। वहीं सुरक्षा के लिए सिर्फ हरिद्वार में ही 5,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। बता दें कि पिछले बार 3,80,00,000 भोले के भक्त उत्तराखंड आए थे, ऐसे में इस बार 3 से 4 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। पंजाब केसरी TV के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।